बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने डिफाइनिंग अ टेबल स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसने आपको बताया हुआ है कि यू हैव टू ओपन दिस एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। आपने टूल बार से ये चूज़ करना है, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं आप इसको इसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शो कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, बिकॉज जो बुक पे आपको शो किया गया है दैट इज़ 2003 वर्जन, और जो वर्जन मेरे पास है दैट इज़ 2013 वर्जन। अब यहाँ सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपने फ़ाइल के ऑप्शन में जाकर, मेन्यू बार में आपको फ़ाइल का ऑप्शन गिवन है, वहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। तो आपके पास इस तरह की विंडो सामने आ जाएगी, और फिर आपने ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन को चूज़ करना है। आफ्टर चूजिंग दैट, आपने फिर ये डिफाइन करना है कि आपने उसको सेव कहाँ करना है, और आप उस फाइल को नेम देंगे, और फिर आप क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे। और जो यहाँ डायलॉग बॉक्स दिखाया हुआ है वो कुछ इस तरह का है। अब जो इस वर्जन में है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये मैंने एक्सेस खोला तो मेरे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स के ऑप्शन आ गए कि मैं किस तरह कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो ये ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस जो है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया, अपेयर हो गया। अब यहाँ मैं अपनी फ़ाइल को नेम दे सकती हूँ, और मैंने उसको सेव कहाँ करना है, मैं यहाँ से फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ क्रिएट। ये आपके पास टेबल क्रिएट हो गया। अब उन्होंने आपको कहा है नेक्स्ट, दैट आफ्टर क्रिएटिंग इट आपने टेबल्स के टैब पर जाना है, और वहाँ आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से आपने टेबल इन डिज़ाइन व्यू को सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो विंडो है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसी तरह ये क्रिएट में मैं गई हूँ, यहाँ ये टेबल्स का ही ऑप्शन है, ये सारे टेबल्स के ऑप्शन हैं। तो यहाँ डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो जो मेरी विंडो है वो दो पोर्शंस में इस तरह आपको नज़र आ रही है, और ये जो व्यू है ये दो पोर्शंस में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम कहते हैं टॉप पेन, और इसको हम कहते हैं बॉटम पेन। नेक्स्ट अब क्या बताया जा रहा है उसको हम एक देख लेते हैं। उसके बाद हमें उन्होंने फर्दर टाइप करने का बताया है, दैट रोल नंबर, नंबर, नेम। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम जो फील्ड्स हैं वो स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं, कि अगर फील्ड को अगर हम एज ए न्यूमेरिक फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो जो न्यूमेरिक फील्ड है वहाँ हम कोई टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। वेयर एज अगर हम उसको एज अ टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फील्ड नेम में, फील्ड नेम में सबसे पहले उन्होंने कहा है दैट वी हैव टू टाइप रोल नंबर। अब रोल नंबर आप सबको पता है दैट इसकी जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, न्यूमेरिक होगी, नंबर होगी, वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। फर्दर उन्होंने कहा है यहाँ आपने मेंशन करना है नेम। अब इसकी जो होगी वो टेक्स्ट होगा, शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट हमने एंटर करना है एज, और इसको हम आगे सेलेक्ट करेंगे एज अ नंबर। आफ्टर दैट वी विल मेंशन डेट ऑफ बर्थ एज DOB, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे एज डेट। डेट एंड टाइम गिवन है तो डेट एंड टाइम्स हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट हमने उसका फादर्स नेम मेंशन करना है, तो इसको भी हम एज अ शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने टेलीफोन नंबर लिखना है, टेलीफोन नंबर हमें नंबर में चाहिए होगा, तो हम इसको एज अ नंबर ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद आपका एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ से शो कर देती हूँ, सेविंग द टेबल। अब उस टेबल को सेव किस तरह करना है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन इन द मेन्यू बार, क्लिक ऑन सेव कमांड, एंटर द नेम एज।
ST यू मीन स्टूडेंट और 8th ए ग्रेड हो गया एंड क्लिक ऑन द ओके बटन द टेबल स्ट्रक्चर गेट्स सेव्ड। क्लोजिंग द टेबल विंडो तो आपके ऊपर ऊपर क्रॉस का ऑप्शन होता है तो वो सिंपल क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इसको पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार इन द टेबल विंडो, क्लिक ऑन क्लोज इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक ऑन द फाइल इन द मेन्यू बार इन द डेटाबेस विंडो, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो अब क्लोज करने का जो तरीका है वो ज़्यादा आसान आ गया है। अब सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव सेव एज कर लिया मैंने, सेव एज डेटाबेस, ठीक है जी, इसको इसी तरह मैंने सेव करना है। अब वो पूछ रहे हैं डू यू वॉन्ट टू क्लोज इट, येस आई वॉन्ट टू क्लोज इट, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस, येस ओके। तो ये सिंपल आपके पास ये सेव हो गया और सिंपल प्रोसीड कर गया। तो आप इसको इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर हम अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस को ओपन करने की जो स्टेप्स हैं ये आपको पेज नंबर 55 पर मिल जाएंगे। जो 3 बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं वो आपका इसका आंसर होगा। तो आप इसी तरह प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व एज वेल एज़ योर फैमिली। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।